फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, वेंटिलेटर की दलाली खाने वालों को फांसी दो, फांसी दो, सुरक्षा उपकरणों को दलालों को फांसी दो, फांसी दो, जो सरकार निकलनी है। उत्तर प्रदेश में जीवन रक्षक मेडिकल उपकरण की खरीद में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के माध्यम से राज्यपाल को भेजे गए ज्ञापन में कहा कि कोविड की दो लहरों ने उत्तर प्रदेश की जनता को बुरी तरह से तोड़कर रख दिया है। लाखों लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं। लाखों पर बर्बाद हुई टूटती सांसों के बीच ऑक्सीजन बेड और इलाज के लिए हर इंसान एक खौफनाक अनुभव से होकर गुजरा। स्वास्थ्य विभाग की माने तो तीसरी लहर के मद्देनजर तीसरी लहर से निपटने के लिए यूपी में बच्चों के वेंटिलेटर सहित तमाम अन्य जीवन रक्षक उपकरण खरीदे जा रहे हैं, लेकिन प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा द्वारा जारी एक आदेश में इनकी खरीद के लिए टेंडर या बिडिंग की बाध्यता खत्म करके चहेती कंपनियों से खरीद का इशारा किया गया है। इस आदेश के जरिए इन उपकरणों को बाजार से अत्यधिक ज्यादा कीमत पर खरीदा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के पास मौजूदा कागजात ये बता रहे हैं कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी से जो वेंटिलेटर यहां 17 लाख से 22 लाख तक के खरीदे जा रहे हैं, उसी मॉडल के वेंटिलेटर को मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार 11 लाख में खरीद रही है। यानी कि स्पष्ट रूप से बच्चों की जान बचाने के नाम पर बड़ा घोटाला किया जा रहा है। इस पर बोलते हुए आम आदमी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एपी सिंह ने बताया कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जीवन रक्षक मेडिकल उपकरणों की खरीद में करोड़ों का घोटाला किया जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी माननीय संजय जी के सिंह जी के निर्देश पर हम लोग जो उत्तर प्रदेश में वेंटिलेटर घोटाला हुआ है, जो बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, 10 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया है, करोड़ों रुपए का हर जिले स्तर पर जो है घोटाला हुआ है, लेकिन लोग कहते हैं कि योगी जी जो है ईमानदारी से काम कर रहे हैं। क्या 10 लाख की चीज़ 22 लाख खरीद में खरीदना ईमानदारी का परिचायक है? पूरा जो है देश जिस समय जो है इलाज में मशगूल है, उस समय जो है हमारे प्रदेश में वेंटिलेटर घोटाला हो रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि योगी जी इसकी जाँच कराएँ आप, और इसमें तत्काल जो भी दोषी हो उसे ऐसी सजा दें कि उत्तर प्रदेश में इसकी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो।